सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर वीडियो के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। इट्स हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनव आपका स्वागत करता हूँ आपके वीडियो में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रेलवे की परीक्षाएं 30 सितंबर को जो आयोजित किया गया है उनके, वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जहाँ आपके पास GK GS और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड वहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आज पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको हम बता दें कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 29 अक्टूबर का PDF मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। तो द रूल ब्रेकर नामक पुस्तक जो है किसने लिखी थी, तो यह कैट कारमाइन नामक राइटर की जो है यह पुस्तक है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आज का जो अगला सवाल वहाँ पर पूछा गया था वो था कि US Open 2018 के अंतर्गत वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता था, तो यह थी नाओमी ओसाका, ठीक है, जिन्होंने सेरेना विलियम्स को हरा कर यह खिताब जीता था। आपको हमने इससे पहले वहाँ पर कंप्लीट जो वहाँ पर ग्रैंड स्लैम है उससे रिलेटेड हमने आपको पूरा जो वीडियो है वो हमने प्रोवाइड किया, आपने नहीं दिखाया तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद बात करें आगे, तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2011 के अंतर्गत वहाँ पर कहाँ आयोजित किया जाएगा 2021 का, तो यह भारत में। आगे चलते हैं, तो शूटिंग जो है नेशनल गेम है किस देश का, तो यह भूटान का है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें तो एक सवाल वहाँ पर था कि रेल मिनिस्टर भारत के अगस्त 2018 में, ठीक है, तो अगस्त 2018 में कौन थे, तो पीयूष गोयल जी थे रेल मिनिस्टर। इसके बाद बात करें आगे आने वाले क्वेश्चन की, तो अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि उबेर कप 2018 वहाँ पर विनर कौन रहा था, तो ऐसे में उबेर कप 2018 का विनर कौन था, जापान था। इसके बाद बात करें एक सवाल वहाँ पर था कि एशिया का कौन सा, एशिया का जो बीच है जिसे वहाँ पर ब्लू फ्लैग दिया गया है यह किस स्टेट में पड़ता है, तो यह उड़ीसा में है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें तो एक सवाल वहाँ पर था कि बृहदेश्वर टेम्पल जो है ना ये वहाँ पर किनके द्वारा बनाया गया है, तो यह राज राजा चोल प्रथम के द्वारा 1010 AD में। एक सवाल वहाँ पर यह भी पूछा गया था कि मूर्ति देवी अवार्ड से रिलेटेड वहाँ पर सवाल था कि 2017 का किन्हें दिया गया, तो यह जॉय गोस्वामी, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2017 विनोद खन्ना जी को दिया गया है ना। एक सवाल था कि प्रेसिडेंट कौन है नेपाल के वर्तमान में, तो यह विद्या देवी भंडारी है। और आने वाले से उसमें यह पूछा जा सकता है कि नेपाल की करेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो यह है शेर बहादुर देउवा। इसके बाद बात करें आगे, तो एक सवाल ये भी था कि चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है, तो यह कोलकाता में। नवीन पटनायक किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, तो यह उड़ीसा के हैं। इसके बाद जो अगला सवाल पूछा गया था वो था कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है ना यह कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो यह 8 मार्च को है ना। एक सवाल ये भी यहाँ पर पूछा गया है कि नोबेल गैस जो है किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो यह 18th ग्रुप से। इसके बाद बात करें आगे, तो एक सवाल ये भी था कि कितने एलिमेंट्स पाए गए थे वहाँ पर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में वहाँ पर कितने एलिमेंट्स थे, टोटल 63 एलिमेंट थे। इसके बाद बात करें आगे, तो लाइटेस्ट एलिमेंट जो है ना पीरियोडिक टेबल में वह कौन सा है, तो यह लिथियम है। ठीक है, एक सवाल यहाँ पर यह भी पूछा गया था कि कितने गैसेस पाए जाते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो ऐसे में इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। पहले PM इंडिपेंडेंस इंडिया के, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहुत ही आसान सवाल था है ना। इसके बाद बात करें तो एक सवाल था कि दही में जो है ना यानी कर्ड में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ये कौन सा एसिड है, लैक्टिक एसिड। इसके बाद आगे बात करें तो दो पीरियड, ठीक है, कौन सा ऐसा वहाँ पर दो पीरियड है जिसमें 8-8 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, यहाँ पर पीरियड्स की बात की गई, तो ये कौन कौन सी है, फर्स्ट पीरियड और थर्ड पीरियड, इन दोनों में 8-8 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें अगले सवाल की, तो कौन सा हार्मोन जो है ना वो प्लांट के ग्रोथ में मददगार साबित होता है, तो ये कौन सा हार्मोन है, ऑक्सिन है। इसके बाद बात करें एक और सवाल वहाँ पर था कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, आपसे भी सिंपली पूछा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो ऐसे में आपका आंसर क्या होगा, नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन यदि पूछा जाता है ग्रीन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, तब आपका ऐसे में आंसर क्या होगा, MS स्वामीनाथन। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगले सवाल की, तो अगला सवाल था पता कि आईफा अवार्ड 2017 का बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल, ठीक है, नेगेटिव रोल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्हें दिया गया था, यह थे जेम्स सर्व, जिन्हें नीरजा फिल्म में नेगेटिव रोल के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड वहाँ पर दिया गया था। आगे चलते हैं, तो पहला लोकसभा इलेक्शन जो है भारत के स्वतंत्र होने का पहला लोकसभा इलेक्शन कब किया गया था, पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो यह 1951 से 1952 के बीच में। एक सवाल वहाँ पर पूछा गया था कि
साल्ट लाइम जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है, ये CaOH का होल टू, जिसे हम लोग सूखा चूना भी कहते हैं, है ना। इसके बाद एक सवाल था कि ग्रुप वन और किस नाम से जाना जाता है, तो ये अल्कली मेटल के नाम से जाना जाता है। आगे आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रुप टू किस नाम से जाना जाता है, तो ये अल्कली अर्थ मेटल के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है ग्रुप वन अल्कली मेटल और ग्रुप टू अल्कली अर्थ मेटल। इसके बाद एक सवाल था कि अ वैल्यू ऑफ जी जो है ना वो कहाँ पे कम होता है, ठीक है, तो कहाँ पे कम होता है, सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे, या फिर अर्थ से बाहर। इसके बाद बात करें एक सवाल यहाँ पर था कि गैमेट्स जो है ना ह्यूमन फीमेल में वो कहाँ पाया जाता है, तो यह फैलोपियन ट्यूब्स में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको हम बता दें कि कुछ सवाल वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर से भी वहाँ पर पूछे गए थे, ठीक है, जैसे कि इमेज कैसा बनता है कॉन्वेक्स में कॉनकेव में, तो इस तरीके से भी सवाल वहाँ पे पूछे गए थे। तो ऐसे में बस दोस्तों आज के लिए वैसे इतना में ही, बस उम्मीद दोस्तों आज करते के हैं लिए कि इतना आपको ही। हमारा ये उम्मीद वीडियो करते हैं आपको पसंद हमारा आया वीडियो होगा। पसंद आया यदि होगा। वैसे आपके में लिए एक ये लाइक से वीडियो सब्सक्राइब थोड़ा जरूर सा कर भी देना। हेल्पफुल तो है तो बस आज वीडियो के को लिए लाइक इतना जरूर ही। कर तब तक देना के और लिए गुड शेयर और बाय बाय। सब्सक्राइब जय कर हिंद, देना वंदे यदि नए मातरम हो तो। एंड वैसे डू मैं बस टेक केयर आज ऑफ के लिए योर इतना ही, सेल्फ। तब तक के लिए थैंक गुड बाय यू। बाय। जय हिंद, वंदे मातरम एंड डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।